हर साल बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होती हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ देती हैं। लेकिन कई फिल्में ऐसी होती हैं जो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाती। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं 2017 की कुछ सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में। ओके जानू, आशिकी 2 जैसी बड़ी हिट देने के बाद लोगों को श्रद्धा और आदित्य की इस जोड़ी से काफी उम्मीद थी और लोगों को लगा था ये फिल्म भी आशिकी 2 की तरह सुपरहिट साबित होगी। पर ओके जानू बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट गई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 23 करोड़ का बिजनेस करा। रंगून, शाहिद, कंगना और सैफ की तिगड़ी देखने के बाद लोगों को लगा था कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर जाएगी और फिल्म रिलीज से पहले भी काफी सुर्खियों में बनी हुई थी। लेकिन रिलीज होने के बाद ऑडियंस को इस फिल्म की कहानी इतनी बोरिंग लगी कि कई लोग इंटरवल में ही फिल्म छोड़कर चले गए और रंगून ने बॉक्स ऑफिस पर 23 करोड़ का कारोबार किया। राब्ता, सुशांत और कृति की जोड़ी ने इस फिल्म से काफी सुर्खियां बटोरी। फिल्म का ट्रेलर भी लोगों को खूब पसंद आया था, लेकिन ये फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर पाई। यहाँ तक कि फिल्म के गाने भी सुपरहिट रहे, लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म लोगों को थिएटर तक नहीं खींच पाई, जिसकी वजह से फिल्म ने केवल 27 करोड़ का बिजनेस किया। मेरी प्यारी बिंदु, इस फिल्म के चलते पहली बार लोगों को परिणीति और आयुष्मान की जोड़ी देखने को मिली, लेकिन ये दोनों ही अपनी इस फिल्म को डूबने से नहीं बचा पाए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 10 करोड़ का बिजनेस किया और फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। जब हैरी मेट सेजल, शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की इस फिल्म का हाल बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरा रहा। फिल्म को अच्छी ओपनिंग कलेक्शन मिलने के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई और साथ ही फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई और फिल्म ने केवल 65 करोड़ का बिजनेस करा। तो दोस्तों, आपकी इन फिल्मों के बारे में क्या राय है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।